नमस्ते, एक बहुत ही बड़ी सोच और समझदारी के साथ मैं आपको एक वीडियो दे रहा हूँ कि नीम का प्रयोग जीव जंतुओं से बचाने के लिए यदि हो सकता है तो हमें आज के युग में जो महामारी फैली है उसमें सामान्य रोग और असामान्य रोग सभी को कोविड-19 को भी बचाने की ताकत है क्या? इस विषय में संशोधन की आवश्यकता है और यदि इसको पारद की गोटियों के साथ में बनाया जाए, नीम पारद की गोटियाँ गोलियाँ या पारद को सेल्फ किसी सीमेंट में के अंदर डाल करके बनाया जाए तो उसके अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि कैसा भी जीव हो अनाज में शरीर में तो उसको नहीं धुन लगने देता है। तो मेरा प्रश्न यह है कि क्या पारद के शिवलिंग से संसार को बचाया जा सकता है? मेरा निवेदन है कि हमारी हॉस्पिटलों में पारद के शिवलिंग खड़े किए जाएं। ये प्रश्न शायद दिमाग में आपके आते ही समझ में आ जाएगा कि पारद का चमत्कार क्या है। यदि बहुत आपको यदि संशयात्मक बात लगती है, जातिवाद धर्म संप्रदाय की बात लगती है, तो पारद का दूसरे ढंग से हॉस्पिटलों में गट्ठाबंद उपयोग करें, रखें एक स्थान के ऊपर। पर यदि शिवलिंग का उपयोग करेंगे और उसमें जल डाल के छिड़काव करेंगे तो उससे ऐसे वायरस का नाश हो सकता है जो किसी के समझ में नहीं आ रहा है कि वायरस कहाँ से आया, कैसा नाम है, कैसी बात है और क्यों आ रहा है। वो सबके साथ अज्ञात रूप में इस अज्ञात रूप का खात्मा हो सकता है। एक नीम ऐसा है जो घर में यदि नीम की डाली बांध दो तो रोग नहीं आते हैं, मच्छर नहीं आते हैं। खाद में डाल दो तो खाद इतनी बढ़िया बन जाती है कि कल्पना भी नहीं कर। शरीर में यदि नीम से नहाना चालू करते हैं तो रोग भग जाते हैं। नीम का पानी पीने से, हम लोग क्या चैत्र मास के अंदर नीम झर से पानी पीते हैं, नीम झर खाते हैं, नीम को गिटोलियाँ खाते हैं, नीम का उपयोग करते हैं। तो मेरा निवेदन है ईश्वर कि सारा संसार का ध्यान सब बातों में करें, जो करना है करें, पर नीम और पारद के प्रयोग के ऊपर जरूर जाएं, सरकारी स्तर पर जाएं, मेडिकल स्तर पर जाएं, असामान्य लोगों में जाएं। यदि आपके घर में गेहूं को और सामान्य तरह के अनाज को यदि पारद की गोटियां बचा सकती है तो पारद आपके शरीर में रोग को क्यों नहीं बचा सकती? मेरा मानना है कि एक तो हल्दी जो कीटाणुओं से मनुष्य को मुक्त करती है और नीम और यह पारद की बात आई है। पारद का प्रयोग सीखें, पारद की शिवलिंग बना करके रियल में रखने से, घर में रखने से, पूजा करने से, जल चढ़ाने से अनंत अनंत फायदे होते हैं। भगवान महाकाल की कृपा रही और हमें सद्बुद्धि आई तो सभी हॉस्पिटलों में मैं निवेदन करता हूँ कि पारद के शिवलिंग बना के, बड़े बड़े शिवलिंग बना के रखे जाएं तो हमें बहुत बड़े रोग से मुक्ति दिला सकते हैं। ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे और मेरी प्रार्थना को सुने समझे। मेरा नाम प्रवीण सुराना है। मैं कर्ण दोष निवारण केंद्र के द्वारा संसार के अंदर बहरेपन और बहरेपन संबंधी कान की रोगों की चिकित्सा करता हूँ और सुनने की क्षमताओं बढ़ाने का प्रयोग करता हूँ और YouTube, Google, सोशल मीडिया पर और ख़ास करके इंडिया न्यूज़ में अविरत स्क्रोल चलाते हैं, प्रचार करते हैं, बताते हैं और इसके वीडियो सोशल मीडिया पर इसलिए डाल रहे हैं कि संसार को विश्वास हो जाए कि बहरापन जैसा कोई रोग रहा ही नहीं है। तो मेरा मानना है ऐसा ही है कि कुछ ऐसा हो कि वायरस जैसा कोई रोगी न रहे, कोई वायरस ही न रहे। इधर उधर दौड़ने से आज अमेरिका में देख रहा हूँ कि छटपटा रहे हैं, पर हमारी जैसी संस्कृति उनके पास में नहीं है। हमारे पास में संस्कृति है, विज्ञान है, पारद का विज्ञान है, नीम का विज्ञान है,
दूसरे सब विज्ञान है उन्हें पहुंचाया जाए, मदद की जाए संसार के लोगों की और हमारे देश में हमारे देश के लोगों की व्यवस्था की। मैं तो कहता हूँ कि जो लोग इधर उधर भाग रहे हैं उनको भगना बंद करके भारत की गोटियाँ बना के जेब में रखें, गले में डालें और अपने तकिए में रखें, बाथरूम में रखें और ऐसे ऐसे स्थान में घर में रखें जहाँ पर उनको चांसेस है कि भाई वायरस हो सकता है। प्रवीण शर्मा के प्रणाम, धन्यवाद, ईश्वर आपको भला करे और संसार में इस महामारी का जल्दी से जल्दी अंत हो। और मेरे इस विचार से यदि संसार का भला होता हो तो मैं ईश्वर से खूब खूब कोटि कोटि वंदना करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर सबको सद्बुद्धि दे। प्रवीण शर्मा के प्रणाम। फ़ोन नंबर है 9099 से लेके 30 तक के सभी नंबर सेवा में चालू है। मेरा व्यक्तिगत नंबर है 9824853302। प्रणाम, फिर से प्रणाम।